आइए बात करते हैं कैसे आम की जिसको खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। सुनकर चौंकिए मत, बंगाल में एक ऐसा आम उगाया गया है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2,70,000 रुपए किलो है। आखिर ये आम होता कैसा है, इसकी खासियत क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए सब साफ हो जाएगा। गर्मियों का सीजन है और ऐसे में हर किसी का आम खाने का मन तो करता ही है। अल्फांसो से लेकर दशहरी, लंगड़ा और चौसा कई तरह के आम बाजार में मिलते हैं। आपने भी कई तरह के आमों का स्वाद चखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इन आमों में सबसे महंगा आम कौन सा है? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सबसे महंगे आम की बात करें तो दुनिया के सबसे महंगे आम को मियाजाकी कहा जाता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के दुबराजपुर में दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी उगाया गया है, जिसकी हाल ही में नीलामी भी हुई है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आम लाखों रुपए किलो बिके हैं। इस आम की खेती बाकी किस्मों की तरह ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ ऑर्डर पर ही इनकी खेती की जाती है। इस आम की खूबी यह है कि बैंगनी रंग का नजर आता है। जापान में इसे गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पर जापान में पाए जाने वाले इस आम का वजन 350 ग्राम होता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो तक होती है। ऐसे में अगर एक किलो में तीन आम भी चढ़ते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक आम की कीमत लगभग 90,000 रुपए होगी। इस आम के कुछ पौधे झारखंड के जामताड़ा में भी लगाए गए हैं। इस आम का असली नाम ताइयो नो टोमागो है, जिसे सूरज का अंडा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे किंग ऑफ फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। यह आम की फसल अप्रैल से अगस्त तक उगाई जाती है। पकने के शुरुआती दौर में इसका रंग बैंगनी होता है, पूरी तरह पकने के बाद यह गहरे लाल रंग में बदल जाता है। मियाजाकी आम का नाम जापान के एक शहर मियाजाकी के नाम पर रखा गया है, जहाँ इस फल को मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड जैसे गुण होते हैं। इसमें शुगर 15% होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस किस्म की खेती के लिए तेज धूप और ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, इसे बड़ी सावधानी से उगाया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।